हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक, जैसे आप विदाउट फूड कलर भी अपने फूड में कलर डाल सकते हो। तो वो देखते हैं कैसे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये ले ली थी सूजी, आधा किलो सूजी है ये, और इसमें मैं डालूँगी पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसमें मैंने 1.5 कटोरी पानी का यूज़ किया है और ये लिया है मैंने 2 चुटकी बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो इसको मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है, सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये ही है मैजिक लाने वाला, जो हल्दी पाउडर डाला है इसमें और हमने पहले इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ किया है, वो दोनों एक दूसरे कंबाइंड हो जाएंगे तो इसमें एक नेचुरल कलर आ जाएगा जो कि होगा ऑरेंज। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे भाप लगाना है, तो मैंने एक अलग से बर्तन को ग्रीस करके ऑयल से और इसमें ये ट्रांसफ़र कर लिया है और एक साइड पानी गर्म हो रहा है। अब हम उसको 20 मिनट के लिए भाप लगा लेंगे। यहाँ मैंने बर्तन में एक स्टैंड रख दिया है ताकि हमारा जो कटोरा है वो इसके ऊपर सेट रहे और जो हमारा नीचे वाला तला है वो इससे कनेक्टेड होकर ज़्यादा गर्म ना हो। अगर तो ये 15 मिनट के लिए हम इसे भाप लगाएंगे और फिर चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से पक चुका है या नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल प्लेन निकला है, इसका मतलब हमारा ये बैटर अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और देख सकते हैं आप इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, बस जो आपको ट्रिक बताइए आप वैसे ही फॉलो कीजिए और इसका कलर एकदम परफेक्ट आएगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं और ये एकदम से सॉफ्ट बना है, तो आप किसी भी पीस में इसको कट कर सकते हैं और फिर इसको तड़का लगा सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये सब तो अच्छे से हो गया है, तो चलिए हम इसे फटाफट तड़का लगा लेते हैं। तड़के में मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड सीड और साथ ही करी पत्ता, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हमारे कटेड पीस। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मीडियम फ्लेम पर करीब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई होने देंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और देखिए एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसमें ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चटनी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिया की चटनी बनाई है और बस हमारी फटाफट से रेसिपी एकदम रेडी है और विदाउट फूड कलर ये मैंने तैयार करी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।